कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, इसे लगाने से आपके चेहरे पे जो झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाएँ, तो आज जो रेमेडी मैं बताऊँगी ये झाइयों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे आपके दाग धब्बों की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी, और साथ में बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, झाइयों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है आपके चेहरे पे, तो थोड़ी अच्छी डाइट कर लें अपनी, और साथ में ये रेमेडी ज़रूर लगाएं ताकि आपके चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो पालक आप देख रहे हैं, मैंने अच्छे से इसे धोकर साफ़ कर लिया है। इसे आप खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपके चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो ठीक हो जाएं, और जो चीज़ हम खाते हैं वो अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पालक है वो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम जब इसे खाएंगे तो इससे हमारी झाइयाँ ठीक हो जाएगी। तो आज मैं इसी का फेस पैक आपको बताऊँगी बनाना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से पालक को धोकर साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद क्या करना है, अच्छे से इसे पहले धो लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा पालक लेना है, तो जितनी आपको रेमेडी बनानी है उतना आपको थोड़ा सा पालक लेना है, और उसे रोज़ वाटर डाल के अच्छे से पीस लेना है मिक्सी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पालक लिया, उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसके अंदर आप दही भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्सी में पीस लीजिए। अगर आपके पास दही भी नहीं है तो आप इसके अंदर पानी डाल के भी थोड़ा सा पीस सकते हैं, लेकिन रोज़ वाटर और दही डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, और अच्छे से मैंने इसे मिक्सी के अंदर पीस लिया है। अब आपको इस पालक से 3 से 4 चम्मच लेना है, और जितना आपको चाहिए उतना बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ये जो पालक का जो पेस्ट हमने मिक्सी के अंदर पीसा था वो ही लिया है, और इसे लेकर अपने फेस पे लगाने से पहले इसके अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट्स डालना है वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है पालक का जो ये बनाया है वो पेस्ट। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेना है बेसन। तो फ्रेंड्स, बेसन जो है ना आपकी झाइयों को ठीक करेगा, दाग धब्बों को दूर करेगा, आपके कलर को फेयर बनाएगा, और सबसे अच्छी बात बेसन हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर आप जिस भी रेमेडी में बेसन का यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच शहद ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शहद मैंने ले लिया है इसके अंदर 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आप बेसन ले सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बेसन डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा। अगर आपको थोड़ा सा बेसन कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। अच्छा सा एक बहुत अच्छा, ना ही आपको गाढ़ा बनाना है ना ही पतला बनाना है, अच्छा सा एक पेक बना लें जो अच्छे से आपके चेहरे पे लग पाए। तो इस तरह से मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसके अंदर थोड़ा बेसन और डाला, क्योंकि ये थोड़ा मुझे पतला लग रहा था। तो इस तरह से अच्छे से ये क्रीम की तरह बन जाएगा, बहुत अच्छा फेस पैक बना है ये, और इसे अपने पूरे चेहरे पे आपको लगाना है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, दाग धब्बों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और अच्छा निखार चाहते हैं, ग्लो लाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद पूरे फेस पे लगाएं, और लगाने से पहले फेस को अच्छे से वॉश करें, उसी के बाद लगाएं। तो चलिए फटाफट से इसे पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं। मैंने इसे पूरे चेहरे पे लगा लिया है। इसे लगा के आप 15 मिनट तक रखें, उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लें, और आप अपनी स्किन पे अगर चाहते हैं कि झाइयाँ ठीक हो जाएं, अगर आपके चेहरे पे धूप की वजह से टेनिंग हो रखी है वो ठीक हो जाएं, तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को यूज़ ज़रूर करें अपने चेहरे पे। आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, दाग धब्बों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और अगर धूप की वजह से आपके चेहरे पे टेनिंग है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और एक अच्छा निखार आपके चेहरे पे ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बनाना बहुत आसान है, और साथ में जैसे कि मैंने बताया पालक को ज़रूर खाइए ताकि आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएं। और अगर आज की रेमेडी अच्छी लगी है, आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।